नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय कर दी है। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इसके साथ ही साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक कर पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी। 21 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है। यह मतदान सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, यानी कि मतदान जो है सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। बिहार विधान परिषद की मतगणना 7 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि पहले से ही उम्मीदवार जताई जा रही थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद बिहार में विधान परिषद के चुनाव का भी गुल बज सकता है। चुनाव आयोग में आज इसका पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। पटना से रीतलाल यादव, नालंदा से रीना देवी, गया से मनोरमा देवी, औरंगाबाद से रंजन कुमार सिंह, नवादा से सलमान रिजवी, भोजपुर से साधाचरण शाह, रोहतास कैमूर से संतोष कुमार सिंह, सारण से सचिदानंद राय, सिवान से टुन्ना जी पांडे, गोपाल गंज से आदित्य नारायण पांडे, पश्चिम चंपारण से राजेश राम, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार, मुजफ्फरपुर जिला से प्रसाद सिंह, वैशाली से सुबोध कुमार, सीतामढ़ी शिवहर से दिलीप राय, दरभंगा से सुशील कुमार सिंह, समस्तीपुर से हरिनारायण चौधरी, मुंगेर जमुई से लखीसराय शेखपुरा से संजय प्रसाद, बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार, सासाराम मधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह, भागलपुर बांका से मनोज यादव, मधुबनी से सुमन कुमार, पूर्णिया अररिया किशनगंज से दिलीप कुमार जायसवाल, कटिहार से अशोक कुमार अग्रवाल, ये जो हैं वो कैंडिडेट हैं जो कि पिछले जो 24 सीटें हैं जिसपे चुनाव होना है उसके जीते हुए ये उम्मीदवार हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो MLC का चुनाव है वो कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरह के दावे राजद करता रहा है उसमें वो कह रहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों में हमारी दावेदारी है और ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि ही इन MLC चुनाव में उनकी हिस्सेदारी होती है। तो ऐसे में अब देखना है कि MLC चुनाव में BJP, JDU और अराजद कांग्रेस इन सब के बीच में किस तरह का गुणागणित बनता है। हालांकि MLC चुनाव को का इंतजार जो है राजद को सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उसकी तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे थे। अब जब ये इसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है 4 अप्रैल, तो ऐसे में अब देखना है कि MLC चुनाव में किसकी कितनी जीत होती है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।